खरगोन जिले के मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम पथराड़ में एक कॉलेज की छात्रा द्वारा सल्फास खाने का मामला जोर पकड़ते दिख रहा है, जिसमें हुई पुलिस कार्यवाही के विरोध में परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उचित कार्यवाही की मांग की। हम आपको बता दें कि कार्यवाही के अभाव में पूर्व में भी परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय को ज्ञापन सौंपे थे। लेकिन 15 दिन बीतने के बाद मामले में कार्यवाही नहीं होते देख एक बार फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान परिजन ने बताया कि गांव के उक्त युवक के विरुद्ध जांच करके अपराध पंजीबद्ध किया जाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आई थी मां पथराड़ से, तो मेरी लड़की जो प्रार्थना कोमल वो घर पर थी, मैं उसको रख के आंगनबाड़ी में चली गई थी, तो करीब 10:45 के अंदर अंकित चौबे घर में घुस गया और मेरी लड़की अकेली थी, उसको पकड़ के उसने मुंह में गोलियां डाल दी और वो बाहर निकला। बाहर निकलते समय मैंने मेरे भतीजे ने उसको देखा। अब आगे मेरा भतीजा क्या हुआ क्या था फिर बाद में? एसपी साहब पास आए थे, यहाँ आवेदन भी दिया, उसके बाद में उन्होंने बोला था छानबीन होगी, छानबीन कुछ भी नहीं हुई और वो वापस परेशान करा अंकित सेवाराम चौबे। अब क्या मांग करते हैं? आपका क्या न्याय की मांग करते हैं कि उस लड़के को पकड़ के लाए। नहीं तो क्या मामला क्या था? पूरा मामला कहीं नहीं, वो जबरन वो तो घुस गया, अब वो बोल रहा कि प्यार में करता हूँ, पहले उसने कभी नहीं बात डाली थी। आप क्या मांग करते हैं? मैं तो न्याय की मांग करती हूँ, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। क्या लड़की की डेट हो गई? मेरी लड़की तो उसी दिन मर गई, उसने मार डाली क्या? उसने खुद ने मारा है उसको, गोलियां खाने के बाद उसका इलाज कुछ नहीं, वो बच्चे की गोलियां खिला दी। हाँ, सल्फास की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला ज्योतिराम मकवान है, मैं लड़की की बुआ हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।